कहते हैं कला बहुत खूबसूरत होती है, इतनी कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो उस कला को और तराश कर और खूबसूरत बना देते हैं। उनके छूने भर से ही जैसे कला में जान आ जाती है। और आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो है पद्मश्री नेकचंद। आज नेकचंद जी का 91वां जन्मदिन है। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ बनाने वाले नेकचंद ने कला को एक अमित पहचान दिलाई। उनकी बदौलत कला का वो रूप दुनिया के सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज अगर हम कला की बात करते हैं तो इनके नाम के बगैर कला की दुनिया पूरी ही नहीं होती। पत्थरों में जान कैसे डालते हैं, उनको किस तरह तराशा जाए कि वो अभी बोल उठे, ये सब इस फनकार की जिंदगी का एक हिस्सा सा है, एक किस्सा सा है। वो कैसे कहानियों को बुनते हैं, कैसे उनके निर्देशन में पत्थर के कलाकार किरदारों को जीते हैं, ये सब सपनों की दुनिया सा, जादुई सा लगता है। और जादूगर हैं पद्मश्री नेकचंद। और इस जादूगर की जादुई दुनिया यानी कि रॉक गार्डन, 1998 में इस ऐतिहासिक गार्डन का निर्माण होना शुरू हुआ। और आज जो रूप हम इसका देख रहे हैं वो इस महान कलाकार की 18 सालों की साधना का ही तो परिणाम है कि रॉक गार्डन में जाते ही आपको ऐसा लगे मानो आप एक ड्रीम वर्ल्ड में आ गए हो। कला का एक अद्भुत केंद्र प्रतीत होता है, एक ऐसा केंद्र जहाँ हर कोना कला से लैस, हर दीवार मानो कुछ कहती है, चारों ओर पत्थर ही पत्थर। लेकिन नेकचंद जी ने इसे इस तरह तराशा है, इस तरह सजाया है कि सब सजीव नजर आते हैं। कला की सुंदरता को हर ढंग से साबित करता है रॉक गार्डन। ऐसा इंसान, ऐसा कलाकार, ऐसा सृजनहार, ऐसा किरदार शायद हमें अब कभी ना मिल पाए। वो आज भले ही हमारे बीच में ना हो लेकिन आज भी जिंदा है रॉक गार्डन की हर एक दीवार में, हर एक पत्थर में जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, आंखों में समाया और दिल में बसाया था। आज उनकी हर याद, हर लम्हा वहीं उसी रॉक गार्डन में जिंदा है, उसी रॉक गार्डन में बसती है। उनके 91वें जन्मदिन पर उनके इस फन को, इस नजर को और कला को लिविंग इंडिया न्यूज तहे दिल से सलाम करता है।